यार देख एक बात सुन, अगर कल 80 आउट ऑफ 80 तेरे को उठाना है ठीक है, तो ये वाला वीडियो को देख। क्यों? क्योंकि एकमात्र एक ऐसा चीज है जिसके अलग तरह मार्क्स जाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रामर पोर्शन, राइट? एंड वी हैव 15 मार्क्स इन अवर हैंड, राइट? अच्छा एक बात सुन, तू तो प्रोपोजल राइटिंग लिख लेगा ठीक है, तू 10 में 10 उखाड़ लेगा उधर, तू डायरेक्ट राइटिंग भी बना लेगा क्योंकि तेरे को फॉर्मेट पता है ना, आकाश भैया ने तेरे को हर एक क्लास करवा दिया, तू ऐसे भी अच्छा लिख लेगा, तू कॉम्प्रिहेंशन भी कर लेगा, बट ग्रामर, ट्रांसफॉर्मेशन या फिर जॉइनिंग ऑफ सेंटेंस, प्रीपोजिशंस एंड ग्रामर, ठीक है, इसके अंदर तेरा मार्क्स जाएगा ही जाएगा, ठीक है, ये होता है, ठीक है। देख अगर कल तू 50-60 मार्क्स लेकर खुशी है, तो मैं जितना वीडियो अभी तक बनाया हूं 2 दिन के अंदर पूरा उसको देख ले, लास्ट वाला वीडियो भी देख ले, तेरे को मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं हर एक चीज करवा दिया, ज्वाइनिंग से लेके मतलब डायरेक्ट राइटिंग का हर एक फॉर्मेट में बना दिया, 2-2 लाइव क्लासेस करवा लिया, समझा, 3 का लाइव दे लिया, ग्रामर का पेपर भी सॉल्व करवा दिया, स्पेसिमेन पेपर भी करवा दिया, सैम्पल पेपर भी करवा दिया, बट ये वाला पार्ट मैंने अभी तक पकड़ा नहीं था, बिकॉज तेरे से बहुत सारे लोग कमेंट करते भैया ग्रामर दिखाइए, ठीक है, ठीक 2 मिनट के अंदर कुछ चीजें बोलेंगे, एंड जो बोलेंगे अगर अभी टाइम जो भी है, पता नहीं मैं इस वीडियो कब डालने वाला, अभी 9:30 बजे मैं एडिट करके वीडियो डाल दूंगा 10:30 के अंदर, और 10:30 से मेरा लाइव क्लास है सेकंड चैनल में, तो तुमको पता है, राइट? देख 15 मार्क्स ठीक है, इस 15 मार्क्स में से अगर एटलीस्ट तू 13 से 14 उठाना चाहता है, तो जो बोलूंगा वो करना, अभी करना, आज रात को ही करना, ठीक है, सोना मत आज रात को, ठीक है, मतलब सोएगा ऑब्वियसली, मैं नहीं बोल रहा हूं, नहीं रिकमेंड कर रहा हूं, नींद खराब करेगा कल एग्जाम देने के लिए, बट जितना बोलेंगे उतना करके जाना। देख अच्छे से एक चीज सोच, ये क्या है, एक तेरे को एक सेंटेंस दिया जाएगा, एंड तेरे को एक सेंटेंस बोलेगा कि स्टार्ट्स विद, मींस वी हैव, दे विल गोइंग टू गिव वन सेंटेंस एंड यू हैव टू स्टार्ट अनदर सेंटेंस विद इट। इसके अंदर क्या आता है, ये तेरा क्लास 10 लेवल का विदाउट यूजिंग एंड बटन सो नहीं है, ये थोड़ा ऊपर लेवल का है, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या टाइप्स आता है सब, ये तू टाइप्स करके जाएगा ना मेरे भाई एंड बहन, तो तेरे को मार्क्स तू 15 में एटलीस्ट 13-14 उठा लेगा, कम से कम 15 में 15 उठाना भी पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है मेरे भाई, ठीक है। सुन एक बात, कैसा टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है, मान ले मैं एक क्वेश्चन का रेफरेंस ले रहा हूं, ठीक है, मान ले जो हमारा इस बार स्पेसिमेन पेपर में आया, क्या आया था, देख, दे आर रिपेयरिंग माई पियानो एट द मोमेंट, राइट, बिगिन्स विथ माई पियानो, माई पियानो से तेरे को चीज को बिगिन करनी है, राइट, माई पियानो से तेरे को चीज को बिगिन करनी है, राइट, समझ गया, अच्छा इसमें क्या है, माई पियानो इज बींग रिपेयर्ड बाई देम एट मोमेंट इज अ राइट आंसर। अगर तू इधर एक भी चीज को गलत लिखेगा ना यार, तेरा मार्क्स चला जाएगा, एंड इधर एक मार्क्स, एक चीज के लिए एक मार्क्स देना मतलब बहुत बड़ी बात है, ठीक है, क्योंकि ये जो चीज है ग्रामर, एक कुछ भी चीज गलती करेगा तेरे को, ये लाइक मैथ्स, लाइक है ये मैथ्स है, एक को नंबर गलत करेगा तेरे को नंबर पूरा आंसर रॉन्ग आएगा, ठीक है। अच्छा बट हमको भैया बोलिए क्या क्या करके जाना है, देख बहुत कम में बोलेंगे, कुछ कॉमन सेंटेंस आता है, अगर तो उस वाला चीज को पढ़ के जाएगा ना, कैसे पढ़ेगा, कहां से पढ़ेगा, वो भी हम बोल रहे, वीडियो को एंटर देखना, प्लीज लाइक करना यार, इतना मेहनत करके फ्री में तेरे लिए वीडियो डाल रहा हूं, ठीक है, मैं प्लीज शेयर करना, लाइक करना वीडियो को, ठीक है, कल अगर एग्जाम तेरा अच्छा होगा, ठीक है, अच्छे से एग्जाम देना, ठीक है। सुन कुछ सेंटेंस आएगा अनलेस, सो अनलेस जितना सेंटेंस आएगा मैंने यार इंस्टाग्राम में डाल दूंगा, कुछ कुछ हद तक पढ़ के जाएगा, क्योंकि तेरे को सेम चीज आएगा, ठीक है। अच्छा ऑल दो से जितना सेंटेंस स्टार्ट होता है उसका आंसर करीब करीब सेम ही होता है, मतलब तेरे को थोड़ा ग्रामर देख के बनाना है, बट ऑल दो के बाद क्या होता है तेरे को पता है, क्योंकि तू देख लेगा, और अगर तेरे पास बुक है तू पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट मैं भी अगर तू चाहता है, अगर मैं प्रोवाइड करूंगा तो कमेंट कर वीडियो के अंदर जाके, हाँ भैया आप प्रोवाइड कर दीजिए इंस्टाग्राम में या फिर जहां कर दीजिए, हम पढ़ के जाएंगे, ठीक है। अच्छा नो अदर से जितना सेंटेंस स्टार्ट होता है ये कर, देख ये कुछ कॉमन है, मैंने लास्ट 5 साल का चीज को स्टडी किया, एंड जो कॉमन आता है आईएससी के अंदर मैं वो वाला कर रहा हूँ, ठीक है, वो वाला कर रहा हूँ, क्योंकि मैं स्वयं में अपना ईयर में जो दिया था ये सब आया था, समझा। अच्छा देख स्केयर्सली डिड, ठीक है, स्केयर्सली के साथ डिड जाता है, तुम में से बहुत सारे लोग, मैं लाइव क्लास जो अटेंड किया था तेरे को पता है इसका, एज सुन एज के बाद क्या होता है, ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये वाला सेंटेंस को करके जा, ठीक है, तेरे को आधा मार्क्स आ जाएगा, ठीक है, ये तो हो गया। भैया कुछ टाइप्स जैसे कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, ठीक है, क्या है, डॉक्टर सेड टू हिम, कुछ समथिंग होगा, डॉक्टर द डॉक्टर एडवाइजेस, क्योंकि यही सब चीज तेरे को थोड़ा घुमा फिरा के आएगा कल एग्जाम में, ठीक है। अच्छा एक चीज है, तू मेरे को बोलता नो सुना के बाद क्या होता है, हैड होता है या डिड होता है, हमको कमेंट सेक्शन में बता, हम देखेंगे तेरे कमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वाला बोल, हार्डली के साथ क्या जाता है, हार्डली के साथ क्या हैड जाता है या डिड जाता है, कौन सा वाला सेंटेंस करेक्ट है, हमको कमेंट में बोलना, ठीक है, क्योंकि अगर तू ये वाला सेंटेंस कर लेगा ना, कहां से करना है, लास्ट 5 साल का पेपर है, 2016 से लेकर 2020 का पेपर, सिर्फ अभी कभी प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। कल तू आईएससी देने जा रहा है और कुछ करने नहीं जा रहा है, कल आईएससी है, 12वीं है, जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम तेरा कल है, समझा, ठीक है। सुन और एक बात सुन,
He is too tall. कुछ भी होगा ठीक है. He is so tall. ये दोनों सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है. आइदर तू लोग 5 साल का पेपर देख ले या फिर मैं कुछ इधर प्रोवाइड कर दूंगा इंस्टाग्राम में, फ्री में करूंगा यार, डोंट वरी. इसके साथ 5 साल का PQIs एंड लर्न विद आकाश का लाइव जो भी हम करवा के रखे उसको लाइव बोलो एक बार देख, लाइव एक बार देख के जा ठीक है. अगर टाइम होता है 1 घंटे का लाइव है पता है मेरे को, बट एक बार फिर भी देख ले ग्रामर पोर्शन ठीक है ओनली. अच्छा अभी हमारे कुछ रूल्स है डायरेक्ट इंडायरेक्ट के जो मैं पोस्ट कर दूंगा इंस्टाग्राम में, एक बार चेकआउट कर ले. इंपरेटिव सेंटेंस भी आने का चांसेस कल है, तो इंपरेटिव सेंटेंस जितना भी मैं जितना हो सके मैं उतना प्रोफोस कर मतलब कर दूंगा पोस्ट. अच्छा इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर कमेंट टाइप होता है, एडवाइस टाइप होता है, रिक्वेस्ट टाइप होता है, प्रपोजल टाइप होता है. अगर ये कर लेगा तो तेरा आधा सा काम समाप्त हो जाएगा मेरे भाई राइट. अच्छा अभी हमारे प्रीपोजिशंस में ठीक है, प्रीपोजिशंस में क्या है नहीं थोड़ा ट्रिकी है ठीक है. मान ले कि मैं तेरे को दिखा रहा हूं, मैं कुछ चीजें पोस्ट कर दूंगा थोड़ा पढ़ के जा देख, पता नहीं ये आएगा ही नहीं आएगा बट इस टाइप का ही आएगा. प्रीपोजिशंस पकड़ना बहुत मुश्किल है ठीक है. मेरे को बोल बिगिन के साथ क्या होता है, कुछ बोले क्या भाई बिगिन के साथ विथ होता है बट बिगिन्स के साथ क्या होता है, बिगिन्स के साथ एट होता है देख ले ठीक है. तो ये वाला चीज मैं थोड़ा पोस्ट कर दूंगा, अगर एक बार पढ़ के जा कल अगर शायद कुछ कमन आ जाए तो ठीक है. इससे ज्यादा हम कुछ बोल नहीं सकते इस टाइम में ठीक है. अच्छा इसके साथ भी इसका 5 साल का पेपर बना लेगा. अच्छा ग्रामर, ग्रामर का पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस एक बार देख के जा क्योंकि ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है एंड तेरे को 5 मार्क्स का जो 10 फिल इन द ब्लैंक्स है वो आता है ठीक है, सबको पता है. इतना सा चीज कर जा, कहाँ से करने मैं ट्राई करूंगा, रात तक पोस्ट कर दूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि तेरे का लाइव क्लासेस है. मैं लेने के बाद ऐप के अंदर भी क्लास होता है, लेने के बाद मैं पोस्ट कर दूंगा ठीक है. तो यही है, अगर 15 में 15 चाहता है तो एटलीस्ट इतना करके जा, तेरे को 13-14 तो आ ही जाएगा कल ठीक है. एंड टारगेट रख के कल हमको 80 में 80 फोड़ना है. बाकी के तुम मेरे को बता तू कौन सी शहर से है एंड तेरा स्कूल का नाम क्या है, मीन्स यू आर फ्रॉम विच स्कूल. इफ यू आर फ्रॉम कोलकाता तो कमेंट मी क्योंकि कल और भी बड़ा कुछ हम करने वाले हैं जो देखते हैं, अगर प्लानिंग्स है कर करते हैं तो करेंगे ठीक है. तब तक के लिए चलते हैं, सी या, हैव अ वेरी गुड टाइम, गुड बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन.